जैसा कि आपको पता है बीट एक्सवी ने अभी एक रिसेंटली स्मार्टवॉच लॉन्च करी है जो की है बीट एक्सवी मर्व रेस। और इस टाइम यार इसने काफी हलचल मचा रखी है, अपने प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे फीचर लेके आती है अपने साथ। और भाई कुछ दिन पहले बीट एक्सवी ने अपनी मर्व न्यू भी लॉन्च करी थी जो की एक काफी अच्छी स्मार्ट वॉच थी। तो भाई इन दोनों स्मार्ट वॉचेस का कंपेरिजन इस वीडियो में बनता है और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा यदि आप इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप भी क्लियर हो जाओगे वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये दोनों स्मार्ट वॉचेस रेक्टेंगल शेप में आ जाती हैं। और हाँ भाई, दोनों ही पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आती हैं और दोनों के साइड में आपको एक क्राउन बटन देखने को मिल जाता है, बट मर्व रेस का फंक्शनल क्राउन बटन आ जाता है। और दोनों स्मार्ट वॉचेस आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई लुक्स एंड डिजाइन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही लगभग एक जैसी दिखती है। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ मर्व न्यू में 1.85 इंच की HD डिस्प्ले इस्तेमाल की गई है जो की 240x280 पिक्सलेशन के साथ आ जाती है। वहीं मर्व रेज में 1.96 इंचेस की एक लार्जेस्ट TFT डिस्प्ले इस्तेमाल की गई है जो कि Y320x386 पिक्सलेशन के साथ आ जाती है, जो कि भाई काफी हायर पिक्सलेशन है मतलब नॉर्मल डिस्प्ले के लिए। और हाँ भाई, ये एक AMOLED डिस्प्ले नहीं है, फिर भी इसमें ऑलवेज ऑन फीचर मिल जाता है, तो यार ये भी एक काफी बड़ी बात है। और दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो भाई ऑल ओवर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, मर्व रेज की डिस्प्ले जो है वो काफी तगड़ी है और भाई जिस प्राइस पॉइंट पर वो आती है उस पे तो भाई सच में काफी तगड़ी है। अब अगर मैं वॉच फेसेस की बात करूं तो मर्व नियो में आपको 250 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलेगा, वहीं मर्व रेज में 200 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है। इन दोनों में ही आप कस्टमाइज वॉच फेस इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं ब्लूटूथ कॉलिंग की बात करूं तो दोनों स्मार्ट वॉचेस आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, बट मर्व रेज में आपको एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलेगा जिसके अपने कुछ फायदे हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द कॉल कनेक्टिविटी काफी फास्ट रहती है और हाँ बैटरी कंजप्शन भी काफी कम होता है। और भाई दोनों में आपको AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है जिसको आप एक टैप पे एक्टिवेट करके कुछ रिकमांड दे सकते हो। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको हेल्थ रिलेटेड सारे सेंसर मिलने वाले हैं, 24/7 आर्टरी मॉनिटरिंग, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मॉनिटरिंग जैसे सारे सेंसर मिल जाते हैं। और साथ में आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी मिल जाएगा जो कि अधिकतर रिलायबल नहीं होता वैसे तो। अगर मैं स्पोर्ट मोड की बात करूं तो मर्व न्यू में आपको 60 प्लस स्पोर्ट मोड का सपोर्ट दिया है, वहीं मर्व रेज में 100 प्लस स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। वो बात अलग है, नंबर्स कुछ मायने नहीं रखते यार, आपकी जो डेली एक्टिविटी है मुझे पता है सारी कवर हो जाएंगे। अब अगर मैं वाटर प्रोटेक्शन की बात करूं तो मर्व न्यू में आपको IP68 का वाटर प्रोटेक्शन मिलता है, वहीं मर्व रेज में IP67 का। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फर्क समझ में नहीं आया, मतलब मेरे हिसाब से तो उल्टा ही होना चाहिए था, बट ठीक है। सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस में मिल जाएंगे। और हाँ, डेली यूजेस जो जितने भी यूटिलिटी फीचर्स होते हैं वो भी आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में मिल जाएंगे, जैसे कि भाई गेम्स हो गया, स्प्लिट स्क्रीन हो गया, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माय फोन, वेदर रिपोर्ट, मल्टीपल मेन्यू स्टाइल, कैलकुलेटर वगैरह, ये सारे के सारे मिल जाएंगे। मतलब फीचर्स के मामले में तो कोई कमी नहीं है। अब अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको 7 डेज का बैटरी लाइफ बड़े आराम से मिल जाता है, जो कि कॉलिंग में एक दिन ज्यादा 2 दिन का बैटरी लाइफ बड़े आराम से निकाल देगा। तो ये तो हो गए इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के फीचर्स। अब अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जो बीट एक्सवी मर्व नियो है 1500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुई थी, बट अभी 1100-1200 की आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन भाई मर्व रेज इस टाइम 999 की प्राइस पॉइंट पर मिल रही है, जो कि भाई काफी इंप्रेसिव बात है। मतलब काफी अच्छी डिस्प्ले, काफी अच्छा रेजोल्यूशन और सब कुछ मतलब काफी अच्छा है इसमें। मतलब यार अगर इसको 2000 रुपए की भी कर दो ना तो बिच जाएगी बड़े आराम से। तो ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करूं तो यार कंक्लूजन की बात करूं ही क्या इसमें, आपको 999 में इतनी बड़ी स्मार्ट वॉच मिल रही है तो आप जाके बाय कर लो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी किसी और कंपैरिजन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ भाई, बीट एक्सवी मर्व रेस का फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इस चैनल पे आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।